इधर आईपीएल में खो गए थे दर्शक। उधर श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में रोमांच की हदें पार। मैच टाई, सुपर ओवर, जमकर बवाल। आईपीएल 2023 जारी है और अभी तक आईपीएल के 3 मुकाबले हुए। सभी दर्शक आईपीएल में गुम हैं, लेकिन इसी बीच श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई, क्योंकि ये मुकाबला इतना जबरदस्त हुआ कि मैच टाई हो गया और उसके बाद सुपर ओवर हुआ, जहां पर जमकर बवाल भी कटा और श्रीलंका ने उस मुकाबले में कैसे बाजी मारी, आइए चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए ठोक दिए 196 रन। श्रीलंका के लिए न्यूजीलैंड का ये दौरा अच्छा नहीं जा रहा, उसे अभी तक हार ही नसीब हो रही है, लेकिन श्रीलंका ने पहले टी20 मैच में कमाल कर दिया। 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 196 रन ठोके। श्रीलंका के लिए इस मुकाबले में प्रथम निशंका 0 रन पर आउट हो गए। उसके बाद कुशल मेंडिस ने 25 रन बनाए और उन्होंने सिर्फ 9 गेंदों में ये कमाल किया, 3 चौके लगाए, 2 छक्के ठोक दिए। कुशल परेरा ने 45 गेंदों में 53 रनों की नाबाद पारी खेली। ये पारी धीमी जरूर थी, लेकिन टीम के लिए बेहद जरूरी थी। धनंजय डिसिल्वा ने 10 गेंदों में 15 रन बनाए और उसके बाद असालंका ने 41 गेंदों में 67 रन ठोक दिए, जहां उन्होंने 6 छक्के लगाए। इसके अलावा कप्तान शनाका 1 रन ही बना पाए और वनिंदु हसरंगा ने नीचे आते जाते 11 गेंदों में 21 रन बना दिए, जो टीम के लिए बेहद अहम रहे, और उन्होंने अपनी पारी में 2 छक्के भी जड़े, जिसकी बदौलत श्रीलंका की टीम मुकाबले में 20 ओवर में 196 रन बना सकी 5 विकेट खोकर। अब 196 का स्कोर वैसे तो काफी बड़ा माना जाता है और ये देखा जाता है कि सामने वाली टीम के लिए चेज करना आसान नहीं होगा, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने भी इस मुकाबले को अच्छा खेला। न्यूजीलैंड ने कर दिया मैच टाई। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जब मुकाबले में बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने 196 रन ही बनाए। न्यूजीलैंड के लिए अगर देखा जाए तो उनके ओपनर बोविस ने 2 रन बनाए और इसके अलावा साइफर्ट ने 0 रन बनाए। इसके बाद आए टॉम लेथम कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज, जिन्होंने 27 रन बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए डेरल मिचेल ने 44 गेंदों में 66 रनों की शानदार पारी खेली। चैपमैन ने 23 गेंदों में 33 रन बनाए। जिमी नीशम ने 10 गेंदों में 19 रन बनाए। वहीं रचिन रविंद्रा ने 13 गेंदों में इंपॉर्टेंट 26 रन की पारी खेली, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड टीम ये मुकाबला टाई करा गई। अब मुकाबला टाई होने के बाद मामला रिजल्ट निकालने का पड़ा। अब रिजल्ट कैसे निकले, तो रिजल्ट के लिए सुपर ओवर का सहारा लिया गया। तो चलिए आपको सुपर ओवर का सारा रोमांच बताते हैं। सुपर ओवर में जमकर मचा बवाल। न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में दूसरी बल्लेबाजी कर रही थी, तो ऐसे में सुपर ओवर में वो पहले बल्लेबाजी करने आई। सुपर ओवर में न्यूजीलैंड ने बनाए 8 रन। पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद वाइड गई, इसके बाद जो दूसरी गेंद फेंकी गई उसमें निशम आउट हो गए। तीसरी गेंद पर 1 भी रन नहीं आया। चौथी गेंद पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने 2 रन जोड़े। पांचवी गेंद पर 4 रन आए और छठी गेंद पर चैपमैन आउट हो गए। तो इस तरीके से न्यूजीलैंड ने सुपर ओवर में 8 रन बनाए और उनके 2 विकेट गिर गए। अब 8 रन बनाना ये बेहद ही कम नजर आता है सुपर ओवर जैसे में, और श्रीलंका ने इस चीज को सही साबित भी किया। सुपर ओवर में श्रीलंका ने पहली गेंद पर 1 रन दिया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़ दिया, जिसके साथ ही श्रीलंका 2 गेंदों में 7 रन बना चुका था। इसके बाद तीसरी गेंद न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने नो बॉल फेंकी, जिस पर श्रीलंका ने चौका लगाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो देखा आपने किस तरीके से टी20 मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। मैच टाई हो गया, दर्शक देखते रह गए और उसके बाद सुपर ओवर में भी श्रीलंका ने कमाल कर दिया। ऐसे में इन 3 मैचों की टी20 सीरीज में श्रीलंका अब 0-1 से आगे हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका के खिलाड़ी क्या इस सीरीज को जीत पाते हैं या नहीं। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्र को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।